स्कूल में टीचर लड़कों को कुत्तों की तरह पीटता है, फिर भी मजा ले आंखों से एक आंसू भी निकल आए, और ये लड़कियां थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करते ही रोने क्यों लग जाती हैं? मर्द किसे कहते हैं? अबे ओ बावड़ी पूछ, किसे आज? मर्द उसे कहते हैं कि जो घर में अपनी हुकूमत चला सके। फिर तो मैं भी मर्द बनूंगा अपनी मम्मी की तरह। सर जी, इस मार का बदला हम जरूर लेंगे। अच्छा, और वो कैसे? जब टेम आएगा ना तो देख लेना बेटा। तेरी सर जी, अंदर आए हैं, अंदर आए। यहाँ आधा ग्लास खत्म हो गया और तू आवारा है? वाह सर वाह, पढ़ाया बढ़ाया कुछ नहीं और आधा ग्लास खत्म। पढ़ाने देगा तब पढ़ाएंगे ना, सबके साथ इतना बदतमीज। सर जी आएगा, कहा था अब तक? वो सर जी इंग्लिश वाली मैडम के पास। इंग्लिश वाली मैडम के पास का है? अब क्या बताए सर जी, बहुत रो रही थी मैडम। का है? आपकी वजह से, और का है? प्यार करती है आपसे, और आप है कि आई लव यू नहीं बोले अब तक। हमको रो रो के बोल रही थी कब चुन्नू सर आएंगे और आई लव यू बोलेंगे। क्या सच में? अरे हाँ सर जी हाँ, जाइए और जाके बोल दीजिए आई लव यू। सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी। स्कूल वालों में उठो, कितना सोते हो? कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी मोहब्बत कर ले। आगे क्या था? कमबख्त नींद बहुत आती है। या राइट पापा। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। एक बात बताओ चाचा, अगर मुझे 100-200 रुपए की जरूरत पड़े तो आप दे सकते हो? क्या बात कर रहा है यार, तुझसे बढ़के हैं 100 रुपए? तो दे दो यार चाचा। मैंने क्या बोला, तुझसे बढ़के हैं 100 रुपए। नव जैसी जिंदगी हो गई है, स्कूल नहीं, ऑफिस नहीं, ना ही कोई काम, सिर्फ खाना खाओ और गुफा में सो जाओ, सब्जी और दूध लेने जाओ तो ऐसा लगता है कि शिकार। भाई अंग्रेज लोग सही हैं, सीधा शादी कर लेते हैं, और हमारे यहाँ रिश्ता, रोका, सगाई, हल्दी, फेरे, जैसा साली शादी ना हो गई हो टूर्नामेंट हो गया। लॉकडाउन के चलते मैंने कुछ घरेलू उपचार सीखे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। लड़का हो या लड़की, अगर आपके बाल गिरते हैं तो टकले हो जाओ, फिर नहीं गिरेंगे। अच्छा आप लोग बताओ, क्या आप ऐसे इंसान को कभी माफ कर सकते हो जिसने चार्जर से आपका फोन हटाकर अपना फोन लगा लिया हो? पापा कहते हैं गलत संगत में मत पड़ो, अब उनको कौन समझाए, गैंग का लीडर तो उनका लौंडा ही है। ना संडे बीतने की चिंता, ना मंडे आने का डर, ना कॉफी का ख्याल, ना पिज्जा पास्ता की इच्छा, ना नए कपड़े पहनने की एक्साइटमेंट, ना ट्रिप पर जाने की हसरत। क्या हम मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं? यार आज तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तेरी लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तेरे कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तूने मेकअप भी बहुत अच्छा कराया आज। थैंक यू भैया। भैया फिर भी तू चुड़ैली लग रही है। नशे में क्या कर? और कुछ खाओगे सर? भाई आ, लोग कहते हैं जहाँ इज्जत ना मिले ना वहाँ जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब बंदा अपने घर भी ना जाए? न जाने हम स्कूल में इतने फेमस क्यों थे, न जाने हम स्कूल में इतने फेमस क्यों थे, प्रिंसिपल भी रोज हमारे ही पास आता और एक ही बात बोलता, ये स्कूल की सबसे खराब क्लास है। आज कैसे ईट ले रखी तेने हाथ में? आज ये ईट से अपनी गर्लफ्रेंड का सिरा फाड़ूंगा भाई। कहा होगा? अरे गीत गारी, कोई पत्थर सुनो मारो मेरे दीवाने को, दिवाली आ रही, बम्ब सुड़ा दो साले को।
आज गई। बहन हमारी बचपन की फोटो, तेरे को देख के आज भी याद आ जाती है। किसकी? गली के कुत्ते की। हेलो हेलो, कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? 3 घंटे से मेरा नेट नहीं चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूँ? 3 घंटे से नेट नहीं चल रहा है, ओके ओके, तो मैडम घर का काम कर लो ना फिर कोई। हाँ? भैया सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है? लहरा यही 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 लहरा यही यही बढ़िया। दरोगा नमस्कार, दरोगा साहब नमस्कार। अबे गाड़ी रोक। भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किडनी डोनेट कर सकता है क्या? क्या सोच रहा है वे? भाई 2 किडनी और 5 गर्लफ्रेंड। लॉकडाउन के दौरान केवल वही कार्य किए जाएंगे जो जरूरी हैं। इन कामों के लिस्ट में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि एजुकेशन का कोई भी काम शामिल नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने हमारी पूरी जिंदगी ऐसे काम करने में बिता दी जो कि जरूरी नहीं है। जरूरत से ज्यादा सुंदर लड़की अगर गर्लफ्रेंड बन जाए तो लड़के का 3.25 किलो वजन प्रति सप्ताह तो इस चिंता में घट जाता है कि कोई दूसरा उसे उड़ा ना ले जाए। काले कांच के अंदर गोरी आइटम? अरे माफ करना। सुनो, आई लव यू। मेरी चप्पल के साइज पता है क्या यार? गर्लफ्रेंड बनी है और अभी से डिमांड शुरू, और मांगा भी क्या चप्पल बिकारन कहीं की। जा, नहीं करनी तेरे से सेटिंग। और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको हटा रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना। किसी ने हमसे पूछा कि अभी आप क्या करते हो क्या? कि किसी ने हमसे पूछा कि अभी आप क्या करते हो, हमने भी कह दिया कि भरोसा और प्यार छोड़कर सब करते हैं। नीचे लिखे हुए कैप्शन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? अगर आपने पजबी को पबजी पढ़ा है तो ये समझ लो आपका जीवन बर्बाद हो चुका है। काम धंधे पर ध्यान दो, क्या है दिन भर ये? तुम लोग जितनी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर लो, तुम लोग जितनी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर लो, लेकिन गाली देने का मजा तो हिंदी में ही आता भाई। पता है जब भी मैं गांव से बाहर जाता हूँ ना, पूरा गांव मेरी सलामती की दुआ करता है। ऐसा क्या खास है भाई? उधारी चीज ही ऐसी है। अब तो ये बोलने के दिन आ गए, ले 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 ले, मिलो बच्चों, मिलो जानू, मिल बाबू ने मास्क लगाया।